So aaj hum ja rahe hain the famous Jama Masjid. पीछे एंड 10 रुपीज का बैटरी रिक्शा कर रहा है जो हमें गेट नंबर 1 पे छोड़ेगा. अभी टाइम हुआ है 6:15 एंड 7:08 पे इफ्तार का टाइम होता है. सो आई डोंट वांट टू मिस दैट. मुझे जामा मस्जिद के अंदर देखना है एग्जैक्टली कैसा माहौल है. हम काफी टाइम बाद टुक टुक पे बैठे हैं एक साथ एंड काफी मजा आ रहा है बैटरी रिक्शा पे बैठ के. ये चांदनी चौक की गली है जनाब. मुड़ मुड़ के दिल्ली 6 में आते हैं. मुड़ मुड़ के हम कितनी बार आ चुके होंगे. जब से हम जर्मनी से आए हैं हमारा थर्ड या फोर्थ चक्कर होगा आई गेस इजीली. परांठे वाली गली एक बार चांदनी चौक गए थे एंड नाउ इट्स अ थर्ड और फोर्थ टाइम. किस चीजों से खोला जाता है रोजा? वैसे खजूर होता है. पानी. ओके एंड 7:08 पे पूरा खुलता है ना? 7:08 पे तो एग्जैक्टली मतलब जब सनसेट हो जाता है उसके बाद बेसिकली. जैसे सनसेट होता है फिर पानी और खजूर के साथ खोला जाता है रोज़ा एंड मेनली फ्रूट्स खाए जाते हैं. और ये बहुत ही स्वीट सी एक फैमिली है जिन्होंने हमें बताया है इसके बारे में. आई नो सब अपने मैट्स एंड प्लेट्स एंड हर चीज़ का सेटअप ऑलरेडी लेके आते हैं एंड फिर सब साथ में बैठ के फैमिली पूरा रोज़ा अपना ब्रेक करते हैं. वेरी गुड रिचुअल. अगर बैकग्राउंड जामा मस्जिद हो तो वैसे ही और भी ब्यूटीफुल हो जाता है. खजूर देते हैं जो यहाँ पे आते हैं. तो गाइस अब हम भी खजूर खा लेते हैं. वर्थ द एफर्ट. बहुत मजा आया. अब हम खाना खाने जा रहे हैं. इस टाइम मार्केट इतनी वाइब्रेंट है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर लग रही है मार्केट. और ऊपर पूरा उन्होंने डेकोरेट करा हुआ है. पूरा पता लग रहा है रमजान का माहौल कैसा होता है, क्या है. सेवैयाँ है मेरे लेफ्ट पे कितनी सारी. ये देखो बहुत करीम का भी खुलने में टाइम है. 5-10 मिनट्स और लगेंगे एंड मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है. इस पर मैं वेट नहीं करने वाली. 5 मिनट्स भी नहीं. यहाँ से सीधा जा रहे हैं एक स्पेशल चीज़ खाने जो हर्ष ने ढूंढी हुई है. हाजी इमरान की शॉप पे जा रहे हैं हम. जवाब 7-8 उससे पीछे 5-6 ऐसे पीछे बैग होते थे. अब सुनना भी बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे. एंड मुझे इससे बोला था कि सुबह से कुछ ज़्यादा मत खाना बिकॉज बहुत हैवी हैवी चीज़ें हम खाने वाले हैं. सो मैं वेट कर रही हूँ देखने का कि क्या एग्जैक्टली है. मैंने अपनी एपेटाइट सेव करी हुई है. कुछ नहीं खाया मैंने भी दोपहर से. लेट्स सी. बहुत ही गर्मी लग रही है एंड ऑफ कोर्स गर्मी है तो गर्मी है आज. 45 डिग्रीज है एग्जैक्टली एंड हम लोग जा रहे हैं शीरमाल खाने. फाइनली इसने मुझे बता दिया. इसको भी अभी पता लगा कि शीरमाल खाने जा रहे हैं हम. एंड बड़ी लिट है मार्केट. सो लिट यार. अच्छी लग रही है काफ़ी. फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं. यही है हम लोग ट्राई करने लगे हैं. यहाँ टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है. इसे बोलते हैं शीरमाल. क्या है कि एग्जैक्टली ये बना कैसे है? तैयार हो रहा है. हर सीखने वाला है कैसे बनता है शीरमाल. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी एग्जैक्टली कैसे बनता है. भैया भी बड़े एक्साइटेड है. वेरी एक्साइटेड. लेट्स चेक यू इनसाइड एंड शो यू कि कैसे बनता है शीरमाल. हाजी इमरान की शॉप मेरठ वाले स्पेशल. लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट. एक सेकेंड.
सो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया हाई जैक और हम बना रहे हैं यहाँ पे शीर माल. The man behind शीर माल. Yeah. आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम संदीप. अभी सब्सक्राइब करा रही हूँ हमारा चैनल भैया को एंड यहाँ ये वीडियो देख पाएंगे. कर दिया मैंने सब्सक्राइब. हमारा एक और सब्सक्राइबर बढ़ गया. ये लोग हैं. फाइनली हमने देख लिया शीरमाल कैसे बनता है. हम खाने आए थे पर हमने प्रोसेस देख लिया है. अब घर जाके हर्ष मुझे शीरमाल बना के खिलाने वाला है. सबको रमजान मुबारक. रमजान मुबारक. चालीस चालीस भैया लो भैया. जिस शॉप पे पहले गए थे उन्होंने हमें शरबत पिलाया और उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए. थैंक यू भैया. थैंक यू सो मच. बहुत टेस्टी है. हमें बहुत मजा आया और एकदम अलग सा एक अलग ही फेस्टिव एनवायरनमेंट अलग ही फेस्टिव माहौल था. मुझे देख के बहुत मजा आया. नेक्स्ट ईयर भी आऊंगी. डेफिनेटली आऊंगी. शरबत भी पीऊंगी. शीरमाल भी खाऊंगी. मैंगो आइसक्रीम भी ज़रूर खाऊंगी. करीम्स पे खाना भी खाऊंगी. अमेजिंग खमीरी रोटी वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा है. एंड कुछ कहना चाहते हो आप? एंड बहुत मज़ा आया. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू डिड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब करो यार. वेट मत करो. बस सब्सक्राइब करो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.